मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रधान कार्यालय की ओर से ऑक्सीजन युक्त 20 बेड का एक अस्पताल तैयार किया गया। कमेटी के सदस्यों ने जिला प्रशासन और सिविल सर्जन से यहाँ मरीजों के इलाज मुहैया कराने को लेकर अर्जी दाखिल करने की बात कही है। सीजीपी के प्रधान गुरमुख सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन से अनुमति मिलते ही शहर के सभी गुरुद्वारा में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 20 बेड के ऑक्सीजन युक्त अस्पताल के मरीजों के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि संक्रमित मरीजों को कोविड-19 की जांच कराकर वहां जाना होगा और भोजन और दवाइयां की व्यवस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाएगा और यह सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ नियमित रूप से डॉक्टर भी मरीजों को सेवा उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सीजीपी के वॉलंटियर्स 24 घंटे यहाँ तैनात रहेंगे। निश्चित तौर पर आपदा की इस बड़ी घड़ी में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समाज के समक्ष एक ऐतिहासिक मिसाल पेश करने जा रही है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक मिनी अस्पताल के रूप में हम लोग तैयार किए हैं, जिसमें 18 से 20 बेड की जो है तैयारी की गई है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। इसके अलावा और भी जो शहर के गुरुद्वारा साहब हैं उसमें भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा। और इसमें भोजन की व्यवस्था जो है और दवा की व्यवस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ जो लोग रहेंगे वहाँ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो वॉलेंटियर जो यूथ हैं, जो नौजवान लोग हैं जो इसमें अपना मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसे पेशेंट आएगा उसको प्रथम दृष्टया में क्या जाँच करनी है कि ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, कितने ऑक्सीजन लेवल तक लेना है। हम लोग शुरुआती दौर में ये देख रहे हैं कि भाई जो ऑक्सीजन लेवल है 95 से 95 से नीचे है और 85 के बीच है, तो उसको हम लोग यहाँ जांच करके लेंगे। और उससे पहले जो भी पेशेंट आएंगे उनसे हम लोग ये कहेंगे कि जो उनकी कोविड जांच हुई है, कोविड जांच की रिपोर्ट जो है वो साथ में लेकर आए, और उस कोविड जांच की रिपोर्ट को देखकर उसके बाद ही उनको एडमिट लिया जाएगा। उसका ऑक्सीजन लेवल जांच करके चेक करके उसको दिया जाएगा। 95 से 85 के बीच होगा तो उनको लिया जाएगा, और उससे नीचे अगर जाते हैं तो उसके लिए फिर वो हाई अथॉरिटी जो दूसरी जगह में जो व्यवस्था है, क्योंकि हमारे पास उतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं है कि हम कर सकें। और जो हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हैं, जैसे डॉक्टर स्वर्ण सिंह जो है वो ऑनलाइन पेशेंट का इलाज जो है करेंगे। इसके अलावा और भी डॉक्टर हैं जो सुबह शाम जो है यहाँ विजिट भी करेंगे, पेशेंट को आकर देखेंगे। क्या 200 बेड क्या ऑक्सीजन बेड है? जी, यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, जो कि हमारे 20 बेड लगे हैं तो 20 बेड में हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पर आने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? जो जिला अस्पताल रेफर करेंगे तब आएंगे कि अपने से भी लोग कोई आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं, इसके लिए हम लोगों ने एक पत्र तैयार किया है। सिविल सर्जन जो हमारे हैं डॉक्टर ए के लाल महोदय, जो उनको हम लोग पत्र देने जा रहे हैं अभी, क्योंकि बिना प्रशासन के परमिशन के और बिना उनके आदेश के तो कुछ नहीं हो सकता। हम अपने तरफ से सेवा की करने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन परमिशन तो प्रशासन का लेना बनता है। और निश्चित रूप से पत्र देकर जो जो हमने तैयारी की है, जो जो हमारे पास उपलब्ध है, उस सारी जानकारी हम जिला प्रशासन को देके, जो सीएस है, सिविल सर्जन है, उनको देकर उसके बाद हम लोग
आगे की प्रक्रिया, आगे भी वेट बढ़ाने की क्या है? बिल्कुल देखेंगे, जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अध्यक्ष जी एक चीज, मुझे टेक्निकल सपोर्ट में फोन कैसे कर दीजिए? और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।